लोग आए थे फैंटेसी आइलैंड और यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज का ब्लॉग, जिन लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा उन्हें मालूम होगा कि मैं गई थी स्कैगनस और वहाँ से हम बैठे थे एक राइड में विच इज़ कॉल्ड सीक्वेरियम और वहीं पर मैंने अपना लास्ट ब्लॉग फिनिश कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको इस राइड के बारे में बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड थी ये। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे से वाटर कैनाल या वाटर पैसेज है, उसमें राइड में आप बैठ के आप उसमें से जा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट सी लाइफ डिस्प्लेस किए हुए हैं ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। और ये थोड़ा सा कर्वी पैसेज था, तो ये नहीं था कि मतलब बिल्कुल आप स्ट्रेट चले जा रहे हैं, नहीं, कर्वी पैसेज था। आप जैसे राइड में भी देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर लाइट का जो फोकस था वो ज़्यादातर जो इन्होंने डिस्प्लेस किए हुए थे उसमें रखा हुआ था और बाकी जो आप राइड में जा रहे थे वहाँ पर नहीं था, ताकि जो है आप इजीली ऑब्वियसली आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकें जो इन्होंने यहाँ डिस्प्ले में रखे हुए थे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की राइड्स थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो इस वक्त मैं यहाँ पर आई थी, ये यहाँ पे बॉलिंग थी और ये 5 pounds पर पर्सन था। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। 5 pounds पर पर्सन, राइट? Just to have a look. No, naturals. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बलून राइड थी और ये भी बड़ी अच्छी क्यूट सी राइड थी और ये इतनी स्पीडी नहीं थी और इसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं और उनके साथ बच्चे भी इजीली बैठ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। मतलब ये बाज़ राइड्स बहुत ज़्यादा स्पीडी होती हैं तो उसमें छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते और इसमें आप देख सकते हैं ये स्लो स्लो जाती है और आराम से आप आस पास सराउंडिंग जितनी भी है वो उसका अच्छा सा व्यू ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। And I was like, it was so funny.
दो बस चल रहे हैं। यहाँ बस इस जगह से हम बाहर जा रहे थे। यहाँ पे सारा कुछ फूड और ये सब कुछ है यहाँ पे। एक लेते चाचू। हाँ। अभी हम लोग आए थे फैंटेसी आइलैंड और यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए, ये रोलर कोस्टर था, मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी बड़ा सा था। तो यहाँ से ये कौन सा था, प्लेजर बीच, नहीं सॉरी फैंटेसी आइलैंड, यस। तो ये था फैंटेसी आइलैंड और यहाँ पे बस जो कुछ एक दो राइड्स मैंने आपको दिखाई हैं और इतना छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और ये देखें, ये यहाँ पे हॉलीडे होम जो है, ये देखें यहाँ, यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं हॉलीडेज में, रुकते हैं एक एक दो दिन तीन दिन वीक तक रुकते हैं। तो ये देखें, अब मैं जा रही हूँ दूसरे बीच, दूसरे अम्यूजमेंट पार्क स्कैगनस के ही। और जैसे मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर ये भी आप देखें, आपके सामने एक और रोलर कोस्टर नज़र आ रही है, या रोलर कोस्टर, सॉरी नहीं, वाटर स्लाइड है, इज इट वाटर स्लाइड, बटलन्स है, ओके हाँ ये बटलन्स है, राइट सामने आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये है बटलन्स। इसका बहुत ऐड आता है, यहाँ पे भी लोग जाकर रुकते हैं और यहाँ पे भी इसी तरह के बच्चों की बहुत सारी राइड्स और बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ हैं। ये मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ, देखिए ये बटलन्स, ठीक है। आप में से कभी जो यूके रहते हो वो तो खैर जानते ही होंगे, और जिनको वैसे अगर आना हो कभी यूके विजिट करना हो तो यू कैन विजिट दिस प्लेस एंड फॉर किड्स इज़ वेरी गुड प्लेस। तो चलें फिर आपसे मिलती हूँ अब वहाँ पहुँच। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।